या विशाल जनसागराला माझा नमस्कार। मराठवाड्याच्या या वीरभूमीला मी वंदन करतो। मुझे ऐसा लगता है कि आज महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने का तय कर लिया है। इस तरफ जहां मेरी नजर पहुंचती है लोग खड़े हैं, उस रोड के भी उस पार दिखते हैं शायद, इधर भी अब मुझे बताइए, उधर से उधर तक इतनी बड़ी भीड़ और यहां सामने भी, तो फिर एनसीपी कांग्रेस का क्या होगा। एक से बढ़कर एक रैलियां मैं देख रहा हूं जी। जितना स्नेह और प्रेम आज यहां देखने को मिल रहा है, जो उत्साह आप सभी में नजर आ रहा है, उससे स्पष्ट है कि महाजनादेश किस तरफ जा रहा है। इस महाजनसागर को देखने के बाद विरोधियों के लिए संदेश साफ है, फिर एक बार महायुति की सरकार। साथियों, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज भक्त प्रहलाद ज्योतिबा फुले बाबा साहब आंबेडकर ऐसे मनीषियों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है और ये काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये हमारा महाराष्ट्र निरंतर करता आ रहा है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां से हर बार आवाज बुलंद हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के इन्हीं संस्कारों को हर मौके पर, हर मंच पर, हर कदम पर ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में नामदारों की मनमानी से नहीं, कामदारों की इच्छा शक्ति से काम होगा। ये समझ ही नहीं रहे कि अब भारत में लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति नहीं, तय समय पर विकास के काम पूरे करने वाली संस्कृति
आज लोगों को मंजूर है, लोग इसी को मानते हैं। साथियों, ये देश की भावनाएं नहीं समझ रहे, लेकिन देश इन्हें भी देख रहा है और समझ भी रहा है और मौका आते ही हिसाब भी साफ कर देता है। हम सभी इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों पर हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का एक ही सुर होना चाहिए, दुनिया को एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, एक ही स्वर सुनाई देना चाहिए। लेकिन हर बात में राजनीति की रोटियां सेकने की आदत वाले ये नेता देश हित की, राष्ट्र हित की इतनी सीधी सरल बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान मैंने सुना, अखबार में पढ़ने को भी मिला कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कहते हैं कि अब कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी रोना के हंसना को समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि आज की कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली, देशभक्तों वाली कांग्रेस नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।